क्या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं? सो इसका आंसर जानने के लिए आपको एनपीए का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एनपीए मीन्स नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी गवर्नमेंट इम्प्लॉय होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको ये प्रोवाइड किया जाता है बाय द मींस ऑफ सैलरी। सैलरी के साथ एनपीए भी दिया जाता है। लेट सपोज कीजिए, अगर मेरा सैलरी 45,000 है तो गवर्नमेंट साइड से कि आपको प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करना है, इसके लिए गवर्नमेंट मुझे एनपीए देगी। एनपीए सपोज 15,000-20,000, ये गवर्नमेंट हमको एनपीए प्रोवाइड करती है। ये एग्जांपल है, एक्चुअल फिगर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एग्जांपल सपोज करके एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर गवर्नमेंट मुझे 45,000 ही अगर सैलरी देती है, मैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हूँ, मेरा सैलरी 45,000 ही है, और अगर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मुझे एनपीए नहीं देती, सपोज कीजिए 15,000 है अगर एनपीए स्टेट गवर्नमेंट, जो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट का अगर एनपीए 15,000 है, तो अगर मेरा एक्चुअल सैलरी 60,000 नहीं हो रहा है, सिर्फ 45,000 हो रहा है, मींस गवर्नमेंट मुझे एनपीए नहीं दे रहा है। अब इस कंडीशन में अगर एनपीए गवर्नमेंट मुझे नहीं दे रही, तो मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता हूँ। लेकिन अगर जो डॉक्टर्स हैं और उनको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एनपीए प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो बेसिक्स इन नटसेल, अगर जिनको एनपीए मिलता है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर जिनको एनपीए अलाउ नहीं होता, नहीं दिया जाता, वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि जो भी प्राइवेट प्रैक्टिस है, वो आपके ड्यूटी आवर कंप्लीट होने के बाद ही कर सकते हैं। और कुछ कुछ जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें कलेक्टर का भी कंट्रोल होता है कि कलेक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि डॉक्टर्स कितने घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक नियम लागू हुआ था कि कोई भी डॉक्टर अगर जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो वो 3 घंटे से ज्यादा प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो ये भी कलेक्टर डिसाइड कर सकते हैं उस स्टेट के। सो इन नटसेल, जो भी अगर डॉक्टर, चाहे वह ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हो, मेडिकल ऑफिसर हो, या फिर सिविल सर्जन हो, जो भी हो, अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक कंडीशन में उनको एनपीए नहीं मिलना चाहिए, और दूसरा ये है कि वो अपने ड्यूटी आवर्स के बाद ही कर सकते हैं। और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि जैसे पहले राजनांदगांव में जो प्राइवेट प्रैक्टिस सिर्फ 3 घंटे के लिए कर सकते थे, वो कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। और कुछ कुछ स्टेट में अदर रूल्स भी हो सकते हैं, वो गवर्न करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जैसा रूल सेट करती है वैसा होता है। और मैं छत्तीसगढ़ का प्रॉपर आपको बता रहा हूँ। सो सिंपल सा आंसर है, अगर मुझे एनपीए नहीं मिल रहा है, तो मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता हूँ। बट फिलहाल तो मुझे ना एनपीए मिल रहा है, ना मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिर्फ फोकस कर रहा हूँ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट संभालने के लिए।